अगर आप एक आईएएस एस्पिरेंट हैं और एग्ज़ाम के पहले, अभी प्री एग्ज़ाम आने वाला है, उसके पहले थोड़ा सा अगर डिप्रेस हो रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी हो सकती हैं, आपकी हेल्थ को रिलेटेड हो सकती हैं, आपके फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा दोस्त, लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं और होनी भी चाहिए, ये आईएएस एग्ज़ाम का एक पार्ट है, हमारे प्रेशर झेलने का भी एक पार्ट है, और ये ठीक है। जैसे देखो, ये मेरा दोस्त बैठा है यहाँ पे, ये जिंदा है, वो अभी वीडियो भी चल रही ना, इसलिए वो ऐसा बैठा है। दिखा दे यार भाई, हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपकी जो स्टडी है वो एक दिन, दो दिन या एक हफ्ते की नहीं है, आपने साल भर जो पढ़ा है यूपीएससी उसका एग्ज़ाम लेने वाली है, तो आप निश्चिंत होके, बेफिक्र होके अपने एग्ज़ाम पे ध्यान दीजिए, आप उस पर फोकस करिए और देखिए कि आपका रिजल्ट बेहतर होगा पिछली बार से। लेकिन यदि आप ये सोच के कि मैं एक हफ्ते इस प्रॉब्लम के कारण एक हफ्ते नहीं पढ़ पाया था, इस प्रॉब्लम के कारण एक महीने नहीं पढ़ पाया, तो आप साल भर पढ़े हैं, आपने बहुत अच्छे से स्टडी की है, तो अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखो। मुख्य चीज़ यही है, आईएएस एग्ज़ाम में भी यही चीज़ देखते हैं कि आप कितना कॉन्फिडेंट होकर अपना काम करते हैं, इंटरव्यू में भी, यूपीएससी एग्ज़ाम में भी, तो अपना एक कॉन्फिडेंस बना के रखिए। नहीं, जो भी है, जितना भी मैंने किया है वो बहुत कंसोलिडेटेड है और बहुत अच्छा है, तो उसके ऊपर विश्वास कीजिए जो आपने कर चुके हैं। अब 5-6 दिन खराब हो गए, कोई दिक्कत नहीं, गया तो गया, अब जो है उसको अच्छा करना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और मेरे दोस्त की तरफ से भी आपके लिए ऑल द बेस्ट।